चंडीगढ़ के गोरेला पिंजरा मरवाही में नगर पंचायत अध्यक्षा एवं तीन पार्षदों के कांग्रेस प्रवेश पर जिला अध्यक्ष भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मरवाही उपचुनाव को लेकर घोषणाएं तो बहुत कर रही है, परंतु उसका जब फंड आ जाए तब घोषणाओं को साकार माना जाएगा। वर्तमान में सिर्फ घोषणाएं की जा रही है, कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जा रहे। जब तक चुनाव है तब तक यही प्रक्रिया चलने वाली है। प्रदेश सरकार की 15 वर्ष तक प्रदेश में भाजपा सरकार रही। हमारे द्वारा किसी भी जनप्रतिनिधि को बलपूर्वक एवं दबाव पूर्वक भाजपा में प्रवेश नहीं करवाया गया, परंतु कुछ दिन पूर्व ही रतनपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पर खाद्यान्न घोटाला बताकर उस पर मामला दर्ज करवाया दिया। ठीक वही प्रक्रिया नगर पंचायत अध्यक्षा गंगोत्री बाई राठौर को किसी प्रकार का दबाव या भय दिखाकर कांग्रेस में प्रवेश करवाया गया है। दो दिन पूर्व भी उसने बात हुई थी, लेकिन एक दिन पूर्व उनका मोबाइल उनसे ले लिया गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही संगठित होता है, वह हल्के फुल्के दबाव में आकर पार्टी विरोधी ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करता। जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल का आना जाना लगा हुआ है, फिर रायपुर ले जाकर कांग्रेस में प्रवेश कराने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। गोरेला पिंजरा मरवाही से संतोष नामदेव की रिपोर्ट। पंचायत अध्यक्ष के द्वारा जो पार्टी का परिवर्तन किया गया है उस विषय में बंद कर देंगे, उस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूं मैं। कांग्रेस चूंकि मरवाही चुनाव को लेकर के जो षड्यंत्र कर रही है वो धन और बल का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनप्रतिनिधियों को जो धमका करके और षड्यंत्र में फंसाने का आरोप लगा करके उनसे पार्टी परिवर्तन कराया जा रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि चूंकि कांग्रेस जिस धनबल और बाहुबल की बदौलत मरवाही चुनाव जीतना चाहती है वैसा संभव हो नहीं पा रहा है, और माहौल बनाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र किया जा रहा है। और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको प्रलोभन दे करके और डरा धमका करके इस प्रकार का दुष्कृत किया जा रहा है जिसका हम लोग निंदा करते हैं। बीजेपी संगठन किसी भी हिसाब से कमज़ोर नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं जो भी सदस्य हैं वो निष्ठावान हैं और कहीं किसी एंगल से भी पार्टी कमज़ोर नहीं है। निष्ठा नहीं, मैं अभी बोला ना कि उनको मैंने क्या है, देखिए नगर पंचायत में मान लीजिए जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर कोई भी आरोप लगा करके उनको धमकाया जा रहा है। जैसे अभी तत्काल का उदाहरण देख लो आप कि रतनपुर में हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो नगर पंचायत अध्यक्ष थे, नगर पालिका के अध्यक्ष जो थे रात्रे जी, उनको PDS के चावल का लॉकडाउन में मतलब वितरण किया जा रहा था, लेकिन वो जो रखा था चावल वो वाचनालय में रखा था, लेकिन उसको शौचालय का नाम दे करके और FIR की गई और उसको पहले प्रलोभन दिया गया, जब वो प्रलोभन में नहीं आया तो उसको उसके ऊपर FIR की गई और FIR करने के बाद में उसकी गिरफ्तारी नाजायज गिरफ्तारी की गई। इस विषय में भी मैंने अपने एक विज्ञप्ति जारी की थी कि उसको प्रलोभन दिया गया और जब वो प्रलोभन में नहीं आया तो नाजायज उसकी गिरफ्तारी की गई। क्या लगता है प्रभारी मंत्री दो दिन पहले जिस प्रकार से उसकी गिरफ्तारी हुई उस विषय को इन्होंने आधार बनाया और ये बोला गया कि
जिस तरीके से मैंने रतनपुर के नगर पालिका अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई है, वैसे ही तुम्हारा भी असर होगा। और चूंकि गांव के मैंने एक वो सामान्य पार्षद है, हर परिस्थितियों को फेस करने की स्थिति में था नहीं, मोबाइल उसका बंद कर दिया गया, हम लोगों से कांटेक्ट हुआ नहीं, हमारे से अगर हमको कोई भनक लगी नहीं, अगर हमको जानकारी होती तो हम उसको समझाते कि ऐसा कोई डरने की बात है नहीं, परंतु उसको समझाने का अवसर भी नहीं दिया गया और उसके मोबाइल को लेकर के बंद कर दिया गया और उसकी संभवतः किडनैपिंग की गई। किसी एंगल से संगठन कमजोरी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि एक दिन पहले हमारे यहाँ वो एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैंने वो बाकायदा पूरे टाइम तक शामिल रहे, जो दीप जलाने का और उसका जो कार्यक्रम हुआ था हमारे यहाँ राम जन्मभूमि वाला, उस पूरे कार्यक्रम में मैंने अभी 2 दिन पहले तक वो रात तक रहे यहाँ पर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।